नाम क्या आपका प्रेस के मित्रों आपका भी स्वागत मगर आप हमारे मित्र नहीं हो नहीं मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम सॉरी टू बी ब्लंट आपके मालिक का क्या नाम है आप अदानी जी के मोदी जी के मित्र हो मीडिया बिकाऊ है गोदी है इस सरकार की है उस सरकार की है मीडी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है मीडिया एजेंडा चलाती है और भी बहुत कुछ सुनते हैं ना आप ऐसा ही सुनते हैं ना इसी तरह की बातचीत अब आम हो चली है अब तो पत्रकारों पर भी आरोप लगते हैं ये इसका है ये उसका है मानना पड़ेगा गजब संकट में है मीडिया और पत्रकार लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया को एक और तमगा दे दिया है कि मीडिया ब्लैक मेलर भी है राहुल की बात आई और चली गई लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं गया उस ओर लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तार न्यूज को टैग कर जब सवाल पूछा कि क्या आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं तो इस पर बात करना जरूरी हो गया जब देश के बड़े नेता हां हां बड़े नेता राहुल गांधी जैसे कद के नेता राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता इस तरह से बोल दें तो खबर बन जाती है भाई साहब चूंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा है और बात छत्तीसगढ़ की हो रही है इसलिए पलटवार कर दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब जब प्रदेश के मुखिया ने विस्तार न्यूज से मामले पर संज्ञान लेने को कहा है तो भैया हम अपना धर्म तो निभाएंगे पूरे मामले पर चर्चा करेंगे विस्तार से करेंगे तो चलिए नमस्कार मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या मीडिया ब्लैक है आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं आज राहुल गांधी के एक बयान की पूरी तहकीकात करते हैं लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि राहुल गांधी बोले क्या हैं सुनना चाहते हैं कि क्यों मैं इस चर्चा को आज करने बैठा हूं और क्यों इस पर बात हो रही है और मामला जब दो महीने पुराना है तो आखिरकार आज इस पर बहस क्यों हो रही है पहले राहुल गांधी के इस बयान को सुन लीजिए बाद में मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट करके पूछा है ये भी आपको बताएंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय करवाते हुए चर्चा भी करेंगे कि आखिर कांग्रेस बीजेपी और पत्रकारों का इस पर क्या मत है पहले सुनाइए आखिर राहुल गांधी ने कहा क्या है जिसकी वजह से आज हम सबको बैठना पड़ा है सुनाइए बयान मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम सॉरी टू बी ब्लंट इज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज गिविंग थाउजेंड करोड टू मीडिया पीपल राइट इट इज मीडिया सुन लिए ना आप अंग्रेजी में काफी कुछ बोल गए मेरी कमजोर है इसीलिए हमने नीचे हिंदी में अनुवाद भी चलाया हुआ था शॉर्टकट में समझाएं तो राहुल गांधी मीडिया संस्थानों को ब्लैक मेलर कह रहे हैं पूरे बयान को हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है एक बार फिर से देख लीजिए सुन लीजिए समझ लीजिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट अ मीडिया सिस्टम सॉरी टू बी ब्लंट इज ए पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग सिस्टम टू गेट मनी एंड इन दैट ब्लैकमेलिंग सिस्टम यू हैव नो प्लेस

सड़क सड़क चल रहे हैं उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं उनके साथ लोग जुड़ भी रहे हैं अगर वो इतनी बड़ी बात कहें तो इस पर बात करना जरूरी है और अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सवाल करें तो इस पर चर्चा करना भी जरूरी है 24 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी भारत की मीडिया संस्थानों को राजनैतिक ब्लैक का सिस्टम बता रहे हैं यह भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक करोड़ का विज्ञापन दिया है एक करोड़ का वैसे मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन पर टीवी न्यूज चैनल बहस करना कम ही उचित समझते हैं लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जानना भी जरूरी था क्योंकि फेक न्यूज का जमाना है डीप फेक वीडियो की खूब चल रहे हैं। तो हमने इंटरनेट को काफी खंगालने के बाद इस वीडियो का असली सोर्स ढूंढ लिया है असली सोर्स क्यों बोल रहे हैं असली सोर्स इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बता सके कि आखिर दो महीने पुरानी बात ये अभी क्यों चर्चा में आई तो चलिए यह भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने खुद ही अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट से 15 मार्च को 10 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया था इस वीडियो के आठवें मिनट पर राहुल गांधी ने अपना यह विवादित बयान दिया है भाई अब तो वीडियो की पुष्टि भी हो गई है और यह भी सुना चुका हूं कि क्या कह रहे हैं लेकिन राहुल का अब यह दो महीना पुराना बयान लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक घमासान क्यों मचा रहा है राहुल ने जिस एक हजार करोड़ की बात की है चलिए अब उसके तथ्यों की भी थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं भले ही राहुल गांधी आज मीडिया संस्थानों को पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बता रहे हैं लेकिन शायद राहुल गांधी भूल गए कि कुछ दिनों पहले तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार थी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह ने एक सवाल पर उस वक्त मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल से विधानसभा में यह स्वीकार किया था एक सवाल पर जब पूछा था रमन सिंह ने तब स्वीकार किया था भूपेश बघेल ने एक जनवरी 2019 से 15 जून 2021 के बीच 208 करोड़ से अधिक का विज्ञापन कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था आपको आंकड़े भी बता देता हूं सिर्फ ढाई साल के अंदर उनकी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 116 करोड़ बयालीस लाख बासठ हजार तीन रुपए दिए गए वहीं प्रिंट मीडिया को बानवे करोड़ उन्तीस लाख तेईस हजार एक सौ छप्पन रुपए दिए गए यह मैं आपको सब इसलिए बता रहा हूं आंकड़ा क्योंकि इसी पर इसी पर इसी पर बहस हो रही है और एक बार फिर आंकड़ा आपको बता देता हूं कि सिर्फ ढाई साल के अंदर उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक सौ सोलह करोड़ बयालीस लाख बासठ हजार तीन सौ एक रुपए दिए वहीं प्रिंट मीडिया को बयानवे करोड़ उन्तीस लाख तेईस हजार एक सौ छब्बीस रुपए दिए अब राहुल गांधी जी ने ये एक हजार करोड़ का आंकड़ा कहां से उठाया है उसका आधार तो वो ही जाने लेकिन जब उनकी ही पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो क्या भूपेश बघेल ने भी ब्लैकमेल होकर ये विज्ञापन दिए थे और अगर दिए थे तो उन्हें किस बात का डर था वैसे एक बात बताएं विज्ञापन को लेकर कांग्रेस का पक्ष समय समय के साथ बदलते रहा है छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल विधानसभा में कहते थे प्रिंट मीडिया के विज्ञापन में कटौती की जा रही है यह हिमायती थे उस समय और मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है भूपेश बघेल ये कहते थे जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना लॉकडाउन के समय में केंद्र की बीजेपी सरकार पर मीडिया को विज्ञापन देने का विरोध कर रही थी उस समय कोरोना काल में उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार अंग्रेजी अखबारों को लगातार विज्ञापन दे रहे थे मतलब समझ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का आपस में ही कोई तालमेल नहीं है विज्ञापन वाले मामले में विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है इसलिए हम पूरी पड़ताल करके ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जिम्मेदारी से जब कोई काम कर रहे और राहुल गांधी ब्लैकमेलिंग जैसा आरोप लगा तो सवाल उठता है और इसलिए इसलिए इस सवाल पर चर्चा जरूरी है तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको मिलवाते हैं कि चर्चा में आज हमारे साथ कौन कौन शामिल है सबसे पहले चूंकि मीडिया की बात हो रही है इसलिए उचित जी का परिचय करवाऊंगा उचित जी बड़े पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और समय समय पर हम लोगों को समझाइश देते रहते हैं बताते रहते हैं मीडिया की बारीकियों की चर्चा करते रहते हैं शंकर श्रीवास जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ अमरजीत चावला साहब हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मीडिया ब्लैक मेलर है सबसे पहले अमरजीत जी सवाल आप ही से बहुत लंबा ज्ञान दे दिया है मैंने हो सकता है आप बोर हो गए हों उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन क्या मैंने गलत बोला नहीं देखिए एक तरफ आप ही ने कहा कि राहुल जी ने कहा मीडिया संस्थान मीडिया संस्थान ब्लैकमेलर है और उसके बाद आप ही ने क्वेश्चन उठा दिया कि वो एक हजार करोड़ का आंकड़ा कहाँ से लाए अगर वो बात सही है तो ये भी बात सही है किसी पत्रकार को लेकर उन्होंने कभी नहीं कहा है अपनी सभाओं में भाषणों में हमेशा वो ये कहते रहे हैं कि पत्रकार तो बेचारा ईमानदार है हम तो ये भी कहते हैं देखिए तीस मई अट्ठारह Uh, 26 को पहला हिंदी समाचार पत्र जब निकला था आज एक साल का इतिहास है उन्नीस से लेकर आज तक 1600 पत्रकारों की हत्या हुई हमने उस युवा पत्रकार को भी देखा था जिसने भरी दोपहरी में ट्रकों में बैठ के आरटीओ का भ्रष्टाचार पकड़ा था जिसका नाम ज्ञानेन्द्र तिवारी था मैंने ब्रजेश राजपूत जी को भी देखा है छत्तीसगढ़ बनने के पहले वो आए थे विद्याचरण जी के ऊपर स्टोरी करने के लिए मैंने छब्बीस ग्यारह में उस पत्रकार को भी देखा है जिसने जान हथेली में रख के बॉम्बे हमले के ऊपर कवर किया मैंने जोगेंद्र पटियाल को भी देखा था राम रहीम में जब गाड़ियां पलटी हो रही तो, तो पत्रकार तो पूजनी है इसीलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है यहां बात पत्रकारों की नहीं है बात यह है कि जब ट्रायल मीडिया होने लग जाता है जब सुशांत सिंह राजपूत जैसी घटनाएं होने लग जाती हैं जब वहां पूछता है भारत बोलकर वहां पे गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं जब वहां पर किसी को भी दोषी करार कर दिया जाता है वहां पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये किसके इशारे पर किया जा रहा है क्योंकि स्वच्छ पत्रकारिता का मतलब होता है बेजुबान को जुबान देना भ्रष्टाचार को सामने लाना एक पत्रकार जो होता है एक समय जासूस की भूमिका निभाता है एक पत्रकार जो है वो जान हथेली में वकील जी, की भूमिका अमरजीत जी जी है। जी 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 आप मेरे गेस्ट हैं अमर जी आप मेरे गेस्ट हैं मेरे अतिथि हैं और मैं इस डिबेट वाले विधा में बहुत नया नया हूँ वैसे तो मैं पब्लिक डिबेट करता रहा हूँ और बहुत चीख चिल्लाहट वाली सभा करता रहा हूँ लेकिन स्टूडियो में बैठकर मुझे लगता है कि एक तो किसी को निराश नहीं करना चाहिए और बोलने का पूरा वक्त देना चाहिए बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के पास आऊँगा लेकिन उचित शर्मा जी आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे बयान हैं राहुल गांधी के मैं उनको भी सुनाऊँगा और मैं उनकी बात भी करूंगा राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं और जिस समस्या का सामना वो कर रहे हैं मैं उसकी भी बात करूंगा मैं केवल उनके उठाए हुए सवाल पर बात करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं लेकिन लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं क्या वो उचित है उचित शर्मा जी उनकी बातों से इतफाक तो, तो नहीं रखते कि भाई उन्होंने बोला कि ब्लैक मेलर है तो जरूरी नहीं कि वो ब्लैक मेलर आप किसी की भी कम या ज्यादा आप अपने टीवी में समय में दे सके किसी को कम दे रहे हैं किसी को ज्यादा दे रहा है ये बातें हो सकती लेकिन किसी को ब्लैक मेलर बोलना मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा वो भी इतने बड़े नेता का हालांकि इसके मायने ये भी नहीं निकालना चाहिए कि उन्होंने किसी संस्था को बोल दिया ये भी है कि ये भी आप मायने निकाल सकते हैं ज्ञान जी कि वे एक हज़ार करोड़ को लेके जो छत्तीसगढ़ का बजट था निश्चित तौर पर दो तक एक हज़ार करोड़ बढ़ता आठ से एक करीब भुगतान हुआ है लास्ट ईयर चुनाव के वक्त तो अपनी सरकार को घेरने में लगे हो तो क्या अपनी सरकार को भी डेरिंग के साथ इतना बोलना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी हल्की कोई बात उन्होंने की उन्होंने अपनी सरकार को किया ना कायदे से उन्होंने एक पक्ष रखा करोड़ दिए दिए हैं हैं अभी किस लिए किस लिए लिए चीज के हो रही है आप ये कह रहे, रहे हैं कि राहुल गांधी ने हाँ, आप ये कि राहुल गांधी ने भूपेश बघेल की सरकार जो थी उसका बजट 833 करोड़ था आप ये कह रहे ये, हैं कि जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से इतना ज्यादा बजट नहीं था तो राहुल ये, गांधी ये, भूपेश बघेल पर नाराज हो गए कि इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया आप ये कह रहे हैं वो अपनी ही पार्टी का एग्जाम्पल तो तो के, के वो, तो वो अपनी पार्टी को ही घेर रहे मायने भी आप निकाल सकते हैं इस बयान के ये बात आप दोनों तरफ हमको जिरा करनी पड़ेगी चलिए इस पर बात करेंगे आपने एक नए प्रश्न को जन्म दे दिया मेरे से वरिष्ठ हैं और उचित हैं उचित बात करते हैं उचित सवाल किया था मैंने अनुचित तो अभी तक आपने बोला नहीं है और ये जो कह रहे हैं अमरजीत चावला साहब जो कह रहे हैं गौरी शंकर जी क्या मीडिया ब्लैक मेलर है और देखिए मैं चर्चा करने कभी कभी बैठता हूं अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अगर टैग करेंगे विस्तार न्यूज को और कहेंगे कि आप इससे सहमत हैं तो पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा यह विस्तार न्यूज है बात विस्तार से होती है आप राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं गौरी शंकर श्रीवास जी और अमरजीत चावला जो कह रहे हैं उससे कितना इत्फाक रखते हैं जाहिर है नहीं रखेंगे कांग्रेस के हैं वो देखिए ज्ञान जी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हसरतें पाल लेता है और हसरतें पूरी नहीं होती है तो एक हताश जुआरी की भांति इस प्रकार का बयान सामने आता है जो कि बहुत ही अपने आप में निंदनीय बात है और ये बात इसका जो निंदा है पूरा हर समाज कर रहा है इन्होंने बात कही कि मीडिया ब्लैक है आपातकाल लगाकर मीडिया को बैन करने वाले लोकतंत्र के चेहरे पर कालिक पोतने वाले हत्यारे आज मीडिया को ब्लैक महलर कह रहे ये वही मीडिया है जो पांच साल तक भूपेश बघेल का लगातार चेहरा चमकाता रहा फेशियल करता रहा आठ सौ करोड़ों की बात जो उचित शर्मा जी ने की बिल्कुल सही की है तब मीडिया बहुत अच्छा था उस समय राहुल गांधी जी भी छत्तीसगढ़ आते तो उनका भी चेहरा बहुत चमकाया जाता था तब मीडिया अच्छा था आज लेकिन लोकसभा में जिस प्रकार से पांचवें चरण के बाद जो सारी चीजें सर्विदित हो चुकी है परिणाम घोषित हो गया है उसके बाद इस प्रकार की बात कर मीडिया पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है और इसलिए भी उठाया जा रहा है जिस बात की दूसरी पहलू है उचित जी ने कहा कि सवाल भूपेश बघेल जी भी उठाया जा रहा है भूपेश बघेल

अनुज शर्मा जी छत्तीसगढ़ की धरती में नहीं है जहां भी यह नहीं पूछूंगा लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज शर्मा जी बहस किस पर हो रही है चर्चा किस पर हो रही है आपको विषय की जानकारी है या फिर से बताऊं जी ऑडियो तो कटे हुए मोड़ अनुज जी आवाज आ रही है आपको अच्छा ठीक है जी आपका फोन कट गया है हमारे साथी फिर से जोड़ रहे हैं लेकिन लेकिन आपने कहा अमरजीत जी आपने कहा राहुल गांधी का पंचकुला में जो बयान है कल का उस बयान को पीसीआर रेडी कर लीजिए मैं इसलिए इस बात पर चर्चा कर रहा हूं अमरजीत जी आपने कहा कि किसी पत्रकार को राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा है देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत आदर करते हुए बहुत इज्जत से सम्मान से आप मेरे बड़े भाई हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पंचकुला में अगर पत्रकार को भीड़ में पत्रकार को मैं फिर से कह रहा हूं राहुल गांधी ये कहें कि आप हमारे मित्र नहीं हैं उद्योगपतियों के हैं सभा में मारपीट हो जाती है अमरजीत जी में सभा में मार दिया जाता है ऐसे हादसे हुए हैं राहुल जी की सभा में मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस तरह का बयान देना चाहिए बयान सुनाइए पीसीआर उसके बाद अमरजीत चावला जी से मैं जवाब लूंगा सुनाइए बयान हिंदुस्तान दो भागों में बट रहा है एक तरफ अरबपति जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं मैंने इनको मित्र कहा मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है ये ये अदानी के मोदी के मित्र हैं हां हां ये अदानी के मोदी के मित्र हैं 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा इस बयान को इस बयान को अनुज जी मैं आ रहा हूं आपके पास बस एक मिनट अमरजीत चावला जी से बात करूंगा अमरजीत चावला जी हमेशा आपसे जब बातचीत होती है आप बहुत गहराई से बातचीत करते हैं अब ये बताइए राहुल गांधी जी का भरी सभा में जहां लाखों लोगों की भीड़ हो वहां मुश्किल से पचास सौ मीडियाकर्मी होंगे धूप में होंगे पसीना बहा रहे होंगे और खड़े होंगे कि लाइव दे दें और दिखा दे ये राहुल गांधी का जो बयान आया है ये किसी न किसी दिखाया होगा मैं भी दिखा रहा हूँ लोगों ने दिखाया तब आया होगा इस तरह की भीड़ में इतने बड़े कद के नेता का इस तरह कहना ठीक है कि ये पत्रकार हमारे मित्र नहीं है उद्योगपतियों के हैं आप पत्रकारों के बीच से आते हैं बताइए अमरजीत जी नहीं देखिए क्या होता है कि कई बार एजेंडा सेट करके कोई आता है और पत्रकारों का भी नाम वो खराब करता है उसमें मैं समझता हूं कि कई बार पत्रकार कुछ ऐसे एजेंडे के तहत एक प्लानिंग के तहत सवाल पूछते हैं कि आप जैसे ईमानदार पत्रकार उचित शर्मा जैसे ईमानदार पत्रकार का सर भी शर्म से झुक जाता है हमने पत्रकारिता के कई दौर देखे हैं एक दौर वो भी देखा था जब टू पे कोल स्केम पे बड़ी बड़ी बातें होती थी हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी पत्रकार को तकलीफ हुई आज रवीश कुमार जी के साथ क्या हो रहा है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के साथ क्या हो रहा है अभिषार शर्मा के साथ क्या हुआ हमने सब देखा बस इतना ही पूछूंगा अमरजीत जी बस इतना ही पूछूंगा क्या हो रहा है देखिए गलत हो रहा है मैं मैं जिसका आ... नाम आपने लिया, मैं जिसका नाम नाम आपने 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 लिया लिया सुनिए रवीश कुमार जी का नाम लिया पून प्रसून वाजपेयी जी का नाम लिया क्या हो रहा है इनके साथ नहीं उनको मैं... ट्रोल उनको ट्रोल किया जाता है सोशल सुनिए ना मैं बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं अपना ट्वीट मुझे सुबह से लेकर रात तक 500 सौ गालियां दी जाती है मैंने शुरू में जब इंट्रो दिया तो मैंने कहा ना आपसे कि गोदी मीडिया है बिकाऊ मीडिया है जेंडा चलाता है ये शर्मसार कर रहा है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल ये छोड़ दीजिए ये इस सरकार का पत्रकार है ये उस सरकार का पत्रकार है ये फलाने का पत्रकार है ये इस पार्टी का पत्रकार है ये तो सभी को गाली दिया जाता है कोई ऐसा नहीं है अगर मान लीजिए किसी को आप मानते हैं कि बीजेपी के खेमे का है तो उसको लेफ्टिस्ट वाले घरियाते हैं और जो लेफ्टिस्ट वाला है उसको इधर राइटिस्ट वाले गरी आते, तो गाली तो में लिखा है आपका फोन कट गया था लेकिन जिस तरह से पत्रकार आए जा रहे मीडिया को जिस तरह से ब्लैक मेलर कहा जा रहा है क्या उचित है ये और भरी सभा में इस तरह का कह दिया जाए वो भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता बड़े कद के नेता वो ऐसा कह दें उचित शर्मा जी मानता हूं देखिए आपको जिस मीडिया को जिस बड़े मीडिया को तो बड़े नेताओं की और अधिकारियों की सी लिखनी चाहिए वो खुद उनके सी में चल रहा है ये बात भी उतनी हकीकत और सीरियस है तो इस विषय को नकारा नहीं जा सकता कि हर आदमी ईमानदार है मीडिया में जो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरी मीडिया की मीडिया आप पर बदनाम नहीं कर सकते ब्लैक नहीं कह सकते आपके साथ एक हो सकते दो हो सकते अनुज जी सकते अनुजी यही सवाल मेरा आपसे भी है यही सवाल मेरा आपसे कि इस तरह की भीड़ में पत्रकार को ऐसा कह देना और भीड़ में पत्रकार का पिट जाना और फिर ब्लैक मेलर कह देना और मीडिया पूरे चुनाव में लाइव काट काट के लाइव काट काट के परेशान है जहां नेता जा रहे हैं वहां दिखा रहे हैं अनुज जी देखिए राहुल जी की बात ये दुनिया तक पहुंचती नहीं अगर हमारे पत्रकार बंधुओं ने इसे लाइव नहीं किया होता पहली चीज दूसरी चीज वो जिस चैनल में दिखाई दे रहे हैं जितने चैनलों में दिखाई दे रहे हैं उन सभी चैनलों पर वो आप आरोप लगा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि राजीव जो राहुल गांधी जी हैं वो बहुत तीखी आलोचना कर रहे हैं और उसको पत्रकार बंधु हमारे दिखा रहे सभी चैनल में दिखा रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है हम आपातकाल की बात करें तब कहा थे ये इनके पुरखों ने क्या किया पत्रकारों के साथ आपको लिखने रहे इन्होंने तो किशोर कुमार जैसे गायक को गाने का अधिकार छीन लिया था आकाशवाणी में उनके गाने नहीं बजते थे ये लोग किस मुंह से बात करेंगे कांग्रेस वाले? उसके बाद आप देखिए कि में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनको उनका मीडिया को लेके क्या बजट था और कांग्रेस की पिछली सरकार का मीडिया को लेके क्या बजट था आप आपको पता है मुझसे बेहतर तरीके से पता है तो कांग्रेस पार्टी निराश है हताश है और ये सारी बातें जब छत्तीसगढ़ी में कहावत है मैं जीतूं, जीतूं, एक दूं। तो ये अभी पत्रकारों पे आरोप लगाएंगे ईवीएम मशीन पे आरोप लगाएंगे ये आरोप ही लगाते रहेंगे क्योंकि उनको अपनी हार निश्चित दिख रही इस लोकसभा के चुनाव में तो ये हार के डर से निकला हुआ ये जगह ढूंढ रहे है कि किस किस पे आरोप लगाया जाए अब बारी हमारे पत्रकार बंधुओं के चौथे स्तंभ की बारी है यही सवाल मेरा आपसे है अमरजीत चावला जी जिस तरह से बात हो रही है इससे देखिए असहज होता है पत्रकार असहज होता है और जो आपने बात कही मैंने तो नाम लिया लोग नाम लेने से भी घबराते हैं किसी दूसरे चैनल के बड़े बड़े पत्रकारों का नाम लेने से घरियाते हैं मैं तो ए, मतलब घबराते हैं मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुबह से रात तक मैं खुद गाली खाता हूं और अब गाली ना खाएं तो लगता है कुछ किए नहीं है तो गाली तो देती ही जनता लेकिन इस तरह से जो बीच में बोल देना और मीडिया को विज्ञापन कौन नहीं देता है विज्ञापन क्या है यह भी मैं बताऊंगा मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़े हैं मैं संजय के पास भी जाऊंगा लेकिन विज्ञापन देना लोग अपनी छवि चमकाते हैं और जिस तरह से भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं गौरी गौरीशंकर श्रीवास विज्ञापन देकर देखिए मैं फिर से कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से 833 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के पहले कभी नहीं हुआ तो यह विज्ञापन भूपेश बघेल ने भी तो दिया तो यह सवाल किस पर है जिसको उचित शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सवाल क्या भूपेश बघेल की सरकार पर उठा रहे हैं राहुल गांधी अमरजीत जी नहीं देखिए उस उन पे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे वाली बात है ही नहीं यहां पे उनका कोई मैटर ही नहीं है बात एक सिस्टम की हो रही है देखिए सरकारें कोई भी होती हैं आज मोदी जी दस हजार करोड़ का भी ज्ञापन दी बात वो नहीं है बात हम भटक जाएंगे बात यह है कि सरकार प... सरकार और केंद्र में थोड़ा थोड़ा अंतर अंतर रहने रहने दीजिए दीजिए हाँ, सरकारों इसे... के दायरों का थोड़ा अंतर रहने बात ये है कि पत्रकार जो होता है बेचारा पंद्रह बीस की तनख्वाह लेता है पत्रकार तो चलो फिर भी चर्चा में कैमरा मैन जो बेचारा जान हथेली में लेके जो लाइव कवर करते हैं आज बात ज्ञापन देना गुना है क्या मैं आपसे पूछूं बात ये देखिए सरकार मैं बस पूछूंगा आपको कि क्या विज्ञापन देना गलत है नहीं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो पूरे देश दुनिया आपकी योजनाओं को जाने उसके लिए प्रचार देना जरूरी विज्ञापन देना जरूरी पर विज्ञापन का हिस्सा पत्रकार को नहीं मिलता विज्ञापन का यहां पर बात तो यही हो रही है ना कि जो आज प्रोफेशनल तरीके से जो जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने मीडिया घरानों को कब्जा क्यों कर लिया है ताकि उसके माध्यम से वो बड़े बड़े ठेके लें बड़े बड़े धंधे लें तो सरकार को एजेंडा सेट करके वो पत्रकार को भेजते हैं कि प्राइम टाइम में भैया ये सवाल पूछना आप जैसे ईमानदार पत्रकार उचित शर्मा जैसे ललित सुरजन जैसे ईमानदार पत्रकार अब कितने बचे विज्ञापन मतलब क्या होता है संजय ठाकुर बताइए आपने क्या रिसर्च किया है संजय विज्ञापन मतलब क्या होता है क्या लिखाई पढ़ाई की है आप बताइए तक पहुंचाना विज्ञापन है कितनी सामान्य परिभाषा है कि अगर मेरे मन में कोई विचार है तो मैं उसे विज्ञापन के जरिए किसी दूसरे के दूसरे के दिमाग तक पहुंचाऊंगा और इसके बदले कुछ राशि चुकाऊंगा यह विज्ञापन है अब देखिए मैं आंकड़े बताता हूँ आपने कह दिया कि मीडिया संस्थान ब्लैकमेल करते हैं लेकिन इस दौरान पिछले जब लोकसभा चुनाव थे तब कांग्रेस ने दो करोड़ रुपए सोशल मीडिया पे खर्च किए थे गूगल मेटा पे खर्च किए थे इस साल वो राशि बढ़ के चौंतीस करोड़ हो गई है बीजेपी ने भी इस दौरान अपनी राशि को बढ़ाया तो वो तो कोई मीडिया संस्थान आ, वो ऑनलाइन मीडिया संस्थान है तो क्या उसे भी आप ब्लैकमेल मानेंगे कि वहाँ ब्लैकमेल हो रहे हैं आप इसलिए आप विज्ञापन दे रहे हैं तो यहाँ ये परिभाषा में थोड़ी समस्या है कि विज्ञापन की परिभाषा भी पढ़ना जरूरी है कि हम बहुत सामान्य तरीके से अपने विचार दूसरे तक पहुँचाने के लिए कुछ राशि खर्च करते हैं तो ज्ञान जी मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी परिभाषा की दिक्कत है जो परिभाषा शायद राहुल गांधी जी नहीं समझ पाए और इसलिए इस तरह का बयान दे दिया और इसलिए इसलिए हमारे साथी जो अमरजीत चावला जी हैं उनको जवाब देने में भी दिक्कत हो रही है और उसका जो है बचाव नहीं कर पा रहे हैं इसके अलावा देखिए मैं आपको अमरजीत जी क्यों कटघरे में खड़ा कर रहा हूं चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से आए हैं आपने कहा ना कि पत्रकार काम करता है उसकी तनख्वाह कम होती है वो बहुत मुश्किल से काम करता है लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जब ये कह दें कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं ये बीजेपी का सवाल है तो क्या करेगा वो पत्रकार कम तनख्वा वाला पत्रकार काम करने वाला पत्रकार और भीड़ में फंसा हुआ पत्रकार क्या कहा था जरा सुनाइए सुनाइए ये बयान जिसमें कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना असहज होगा वो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप बार बार कह रहे हैं कि आपने ये खुलासा किया आप बार बार ये कह रहे हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी वजह से कुछ लोग बदनाम होते हैं देखिए मैं बहुत ही संयमित तरीके से मैं जान रहा हूं कि इसका जवाब देने में आपको तकलीफ हो रही सुनाइए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था राहुल गांधी ने पत्रकार से यह बयान भी सुनाइए लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं अब बाय नाइट चले गए तो क्या अमेठी या राय बरेली ये, 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 ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है ओपनिंग ओपनिंग बॉल ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन वेरी गुड शाबाश ये बीजेपी का सवाल है गौरीशंकर श्रीवास आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके नेता बोलते हैं क्या ऐसा देखिए हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कठिन सवाल आते हैं इसका जवाब देने में हम लोग भी असहज होते हैं लेकिन कभी किसी को कांग्रेसी पत्रकार वामपंथी पत्रकार करके संबोधित नहीं करते इस प्रदेश में विज्ञापन पाने का अधिकार भूपेश सरकार में एक अखबार को था और वो था नेशनल हेराल्ड जिसका छत्तीसगढ़ में कोई रिच नहीं था लेकिन करोड़ों के विज्ञापन फूके गए और यह बयान अपने आप में इतना शर्मनाक बयान है कि आज पूरे भारत देश के पत्रकार लानते भेज रहे हैं उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस बयान की निंदा भी नहीं कर रही छत्तीसगढ़ में पिछले पांच साल में यहाँ के सौ से ज्यादा पत्रकारों पर नासिफ एफ हुआ गिरफ्तारी भी हुआ उनके घर पर बुलडोजर भी चढ़ा तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया और एक अभी अमरजीत जी ने कहा कि पत्रकारों की बात नहीं हो रही मीडिया संस्थानों की हो रही है आपने भर भरकर आठ सौ करोड़ किसको बांट दिए अभी तो हमारी सरकार को तीन से चार महीना हुआ है दो महीना तो लगभग आचार संहिता हुआ है एक हजार करोड़ की राशि विष्णुदेव सरकार ने नहीं बांटी है ये आपका पाप था जिसका भंडाफोड़ आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं और ये पाप कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से ले डूबेगा आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को तो पूछ रही है कि मीडिया के पत्रकारों को क्या दोष है और जी आपने तो पंचकुला और एक 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 दो ऐसे ऐसे उदाहरण दिखाए हमने तो कम से कम एक, एक दर्जन से से लगभग दर्जन ऐसे प्रेस वार्ता देखे हैं जिसमें पत्रकारों को बकायदा बेइज्जत किया जाता है नासिफ राहुल गांधी जी भूपेश बघेल जी द्वारा सुप्रिया श्रीनेत जी द्वारा लगातार पत्रकारों को जलील किया जाता है इनके हिसाब से सवाल आता है तो बहुत अच्छा जहां सवाल कठिन हुआ राधिका खेड़ा का नाम मत ले देना बीजेपी में आ गया खेड़ा जी तो भारतीय जनता तो पार्टी की है जहां सवाल इनके विपरीत आया सवाल कठिन हुआ फ्लो फ्लो में पता चले गौरी भाई कह रहे हैं नहीं, नहीं। सुप्रिया सिनेवन जी के द्वारा उनके द्वारा पवन खेड़ा जी पवन खेड़ा जी लगातार पत्रकारों को पॉइंट आउट करते गलत है छुपा नहीं गलत है गलत है अमरजीत जी आराम 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 गलत है ना अमरजीत जी गलत है ना मैं इसका उदाहरण आपको बताऊंगा आप कहेंगे आज इसी डिबेट में ये मान के जाएंगे ये मान के जाएंगे अपने नेता के खिलाफ नहीं जाने दूंगा आपको कांग्रेस पार्टी में आपको रहना है लेकिन आप इतने प्रूफ दिखा दूंगा कि आप मान के जाएंगे यार ये तो नहीं करना चाहिए गलत नहीं है ये बात जो ये कह रहे हैं गलत नहीं है बताइए मैंने देखा था ईटीवी का वो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी का जिसमें पानी का गिलास उन्होंने फेंक के पत्रकार का अपना माइक निकाल दिया था मैंने करण थापर की भी बेज्जती होती मोदी जी के द्वारा देखी थी देखिए क्या होता है बात यहां आरोप प्रत्यारोप की नहीं हम आज भारतवासियों का यह कि मेन बेरोजगारी पे बात हो महंगाई पे बात हो देश के जो ज्वलन मुद्दे

करते हैं जिससे आपके और उचित शर्मा जैसे पत्रकारों को भी सर्वसार होना पड़ता है। जी, जी अडानी के हैं अंबानी के हैं मतलब आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी भीड़ में इतनी बड़ी भीड़ में मैं तो पत्रकारिता और पत्रकार पर बात कर रहा हूं आज राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया विष्णुदेव सर विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सवाल पूछ लिया हमको भी टैग कर दिया हमसे सवाल पूछ लिया मुख्यमंत्री प्रदेश के अगर सवाल पूछेंगे सहमत नहीं मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं मैं तो बिल्कुल आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ना मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं ना गौरी शंकर श्रीवास जी पे आप आरोप लगा रहा हूँ लेकिन पत्रकार कितना असहज हो जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कितना असहज हो जाता है जब इस तरह से सार्वजनिक भरी मंच से जो बात आपको अपने विरोधियों को बोलना चाहिए वो आप मीडिया को बोलते हो चौथे स्तंभ को बोलते हो उचित जी पॉलिटिकल इतने मैच्योरिटी और आने की है आप देखिए कि गांधी जी में राहुल गांधी जी में पॉलिटिकल उतना मैच्योरिटी मैं नहीं देखता हूँ इस तरीके के बयान लेकिन ये भी मैं बोलने से नहीं चुकूंगा आपको ज्ञानेश जी जो इस पत्रकार ने सवाल की क्या वो अमित शाह से ऐसा सवाल कर सकता था क्या वो देश के प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल कर सकता था कि आप दो दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं आपको इसको भी समझना होगा कि इस इस इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदमी पत्रकार आप सा है प्रधानमंत्री मोदी आप आप पर आप पर तानाशाही का आरोप लगता है मैं उचित जी, आप, जी, देखे देखे जी आप बड़े भाई हैं मेरे मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इसी अभी इसी लोकसभा चुनाव में मैं आपसे कह रहा हूं इसी लोकसभा चुनाव में आप पर तानाशाही का आरोप लगता है प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया है देखिए भाई कुछ मैं पूरा देश घूमता हूं चिज्जी मैं अभी जो सवाल हो रहे हैं आप मुसलमानों के खिलाफ हैं सीधे सीधे कह देना तानाशाही का आरोप लगता है सीधे सीधे कह देना ऐसे सवाल होते हैं अनुज जी ऐसे सवाल होते हैं मैं बार बार ये कह रहा हूं जिन लोगों का यह बड़े पत्रकारों का नाम ले रहे हैं मैं सबकी इज्जत करता हूं उनके यूट्यूब में वो क्या नहीं कह रहे हैं क्या नहीं कह रही इस बात की चर्चा ही नहीं होती है इस देश में मीडिया में चर्चा होती ही नहीं ये लो है लोग कहते हैं ये हम पर आरोप लगा देगा ये हम पर आरोप लगा देगा इसलिए कोई लेफ्ट वाले राइट वाले तटस्थ वाले मैं बार बार कहता हूं मैं बार बार ये कहता हूं कि ना रीजनल ना नेशनल पत्रकार को इमोशनल होना चाहिए उसे कोई भी परिस्थिति को देख के खुद फील करना चाहिए कि क्या यह मेरे लिए ठीक है और जब आप इमोशनल होंगे तो आप तटस्थ हो जाएंगे ना आप इधर जाएंगे ना आप इधर जाएंगे बहुत सारी हमने रिपोर्ट की है और मैंने बहुत जंगलों के खाक छाने तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं अनुज जी मैं आपसे कह रहा हूं बात पत्रकारिता की हो रही है बात चौथे स्तंभ की हो रही है और बात को पत्रकारिता को इस तरह से सार्वजनिक आरोप मड़ देने की हो रही है ब्लैक कह देने की हो रही है और इस तरह से पैसे कमाने की हो रही है विज्ञापन के रूप में अनुज शर्मा जी देखिए इस देश में ऐसे पत्रकार हुए जिनके एक लेख ने एक खबर ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है संसद का ध्यान आकर्षित किया और देश में अमूलचूल नेड़ा लिए गए ऐसे हमारे देश के पत्रकार हुए और अभी यह कह देना कि पत्रकार ब्लैकमेलर हैं कंपनियों के लिए काम करते हैं ये मुझे बिल्कुल अनुचित वक्तव्य लगता है उनका राहुल जी का और इसके पीछे मुझे जो बात समझ में आ रही मैं बार-बार कह रहा हूं उनकी हताशा है ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए और अब तो मीडियम ऐसा है कि कोई भी किसी भी बात को फोरम में रख सकता है सोशल मीडिया का जमाना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है अब कोई आ, मोहताज नहीं है प्लेटफॉर्म के लिए अपनी बात कहने के लिए और जैसा कि आप कह रहे थे कि ऐसा कौन बड़ा आदमी जो ट्रोल नहीं होता है जिसके पीछे लोग ना हो लेकिन राहुल जी का दिल कहीं ना कहीं छोटा है जो सख्त सवालों के सामने उसका सामना जब नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं और न सिर्फ राहुल जी ने प्रियंका जी ने भी इस तरह की बात कही है मैंने उनका भी वीडियो देखा है तो इस तरह से मीडिया से भागने की कोशिश है ये मीडिया पे आरोप लगाने की बात है कल ये जब चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ये मीडिया एक तरफ हो गई थी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया इसलिए हम हार गए कल ये आरोप लगा सकते हैं क्योंकि ईवीएम पे तो आरोप लगा चुके हैं जब वो कहीं चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम वहां का ठीक होता है और जिस स्टेट में वो चुनाव हार जाते हैं वहां का ईवीएम खराब होता है वहां भाजपा को वोट चले जाते हैं इस तरह की बात करने वाले हैं राहुल जी तो उनके विषय में मैं क्या कहूं और पत्रकारों के लिए कितने सारे पत्रकार लोकसभा में राज्यसभा में बैठते हैं बड़े बड़े पत्रकार राजनीतिक हुए और इस तरह से पूरे मीडिया घराने को पूरी पत्रकारिता की बिरादरी को ऐसा अनुचित रूप से उन पर आरोप लगाना इसकी मैं कड़े शब्दों में अनुज जी आ रहा हूँ आपके पास इससे होता क्या है आप, आप बीच में एक बात रखना चाहता हूँ राय बरेली में प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राहुल गांधी ने जो बयान दिया जिसके बाद पत्रकार की पिटाई हुई इससे क्या होता है इससे होता क्या है भीड़ में मैं आपको बताता हूँ मैं भीड़ में डिबेट करने जाता हूँ मैं भीड़ में लोगों से बात करने जाता हूँ जब इतने बड़े कद के नेता मैं बार बार कह रहा हूँ राहुल गांधी की बात का वजन है राहुल गांधी अगर कोई बात कहते हैं अखिलेश के साथ वो वहां जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भीड़ आ रही है युवाओं की भीड़ आ रही है उसका असर होता है असर किस तरह से होता है और कैसे फंस जाता है पत्रकार कैसे मुसीबत में फंस जाता है इसका भी एक आपको मैं उदाहरण दिखाता हूं सुनाइए रायबरेली में कैसे उन्होंने कहा था जब पत्रकार की पिटाई हुई थी वो बयान भी सुनाइए मीडिया के आप नाम क्या आपका हा आप शिव प्रसाद जी हैं आपके मालिक का क्या नाम है आपके मालिक का क्या नाम है क्या नाम है नाम बताओ नाम बताओ, नाम बताओ। दीदाद। जी। जी। मारो मत यार मारो मत उसको मारना नहीं है मारना नहीं है नाम बताओ उसका वो ओबीसी है नहीं वो दलित है नहीं वो आदिवासी है नहीं पति है वो अब बताइए ओबीसी एसटी एससी एस टी एस सी अरबपति ये क्या है और आखिरकार वो पिट गया वो तो एक पत्रकार है उचित शर्मा जी जी बिल्कुल इस तरीके में कह रहा हूँ ना कि कई बार ऐसा होता है कि चाहे वो भावुक हो या जो भी हो उतना अनुभव अनुभव हीनता की आप कभी कह सकते हैं कि जिस तरीके के पॉलिटिकल बयान देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने मैं चोट बयान देती है उनके जितने प्रवक्ता है कभी इस तरीके के लैंग्वेज आपको देते वो नहीं मिलेंगे लेकिन ये एक अभी भी जो हम अभी भी फिनिश गुड्स पॉलिटिक्स का अभी भी मैं राहुल गांधी को नहीं बोलता हूँ एक फिनिश गुड तो नहीं है वो फिनिश गुड के प्रोसेस में हो सकते हैं लेकिन एक फिनिश पॉलिटिशियन आप नहीं बोला जा सकता फिलहाल जिस तरीके से वो मीडिया हैंडल करते या तो बहुत कम्फर्ट है मीडिया के साथ या मीडिया

छत्तीसगढ़ में फ्री प्रेस क्या हुआ पांच साल क्या कोई पत्रकार सवाल करेगा तो राहुल गांधी से पूछकर करेगा कि कौन सा सवाल करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए और बड़े दुख का विषय है और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि ब्लैकमेलर है ब्लैकमेलर कांग्रेस पार्टी के वो नेता है जिन्होंने पांच साल में ब्लैकमेलिंग करके कर अ कुछ संपत्ति अर्जित की चाहे महादेव सट्टा के माध्यम से चाहे कोयला की दलाली करके चाहे रेती की चोरी करके चाहे जमीन में कब्जा करके और सबसे शर्मनाक विषय ये है ज्ञानेंद्र भाई किस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार के समय पत्रकार पीटे भी पत्रकार जेल भी गए पत्रकारों को सैनिटाइजर भी पिलाया गया और इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता एक व्यक्ति को पत्रकार मानते हैं वो है महादेव सेठ सट्टा का संचालक विनोद वर्मा जो सेक्स सिटी बनाता है और सेक्स सिटी संचालित करता है ये उनके पत्रकार है बाकी पत्रकार ब्लैकमेलर है जवाब दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं उच्च अमरजीत जी जवाब दीजिए जो इन्होंने अभी नाम लेकर आरोप लगाया इसका जवाब दीजिए पत्रकारिता की परिभाषा जो बता रहे हैं गौरीशंकर श्रीवास तस्वीर में रंग भरने से तस्वीर नहीं बदलती और नियत हो साफ तो नियत नहीं बदलती हम जानते हैं हमारी बातों में अमृत नहीं पर हमारी बातें आपस में जहर नहीं घोलती नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा देखो आरोप प्रत्यारोप तो एक आजकल फैशन हो गया है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो सच्ची पत्रकारिता है जो अच्छी पत्रकारिता है जो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे जिनकी हत्या कर दी गई थी ऐसे पत्रकारिता को सलाम है और हमारे नेता भी सलाम करते हैं हम भी सलाम करते हैं और हम सलाम करते रहेंगे बात पत्रकारिता जब अच्छी होगी तो उसको हमेशा माना जाएगा था कि दो चीज़ होता है जैसे सूचना का अधिकार हमने दिया था लोगों को

तो मैं नहीं जाऊंगा आपका अधिकार है आप कुछ भी बोलें आपका सम्मान है लेकिन क्या करें दस साल से एक सरकार है कई राज्यों में सरकार बनती जा रही है लोग, लोग मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी बोल रहे हैं जनता के बीच जाओ तो मोदी मोदी बोल रहे हैं आपको याद होगा मेरे ही चैनल में विस्तार न्यूज को अभी दो महीने भी नहीं हुए हैं मैं आपको लिंक भेज दूंगा कि वोट का प्रतिशत कम हुआ है और कैसे बीजेपी लग गई है उस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कैसे छत्तीसगढ़ में कैसे छत्तीसगढ़ में जिन सीटों में फाइट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रुक रहे हैं रात रुक रहे हैं अमित शाह एक दिन पहले रोड मैप बनाने आ रहे हैं चार सीटें पांच सीटों में लड़ाई है ये हमने दिखाया है मैं साठ दिन की उम्र नहीं हुई है इस चैनल की बत, 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 आपसे बता रहा हूं हमने दिखाया लोग दिखा रहे हैं इस पूरे देश में डिबेट हो रही है पूरे देश में चर्चा हो रही है मैं आपसे कह रहा हूं वापस आता हूं मैं मुद्दे पे वापस आता हूं मुद्दे में जिसको लेकर जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया है और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने जवाब दिया है पहले अनुज शर्मा कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए अनुज शर्मा जी फिर वापस आऊंगा एक हजार रुपए करोड़ का आंकड़ा कहां का है बता दीजिए उस पर भी विस्तार से पड़ताल कर लेंगे अनुज जी आप अपनी बात कहिए उसके बाद फिर मैं उचित जी और गौरी शंकर जी से बात करूंगा अनुज जी देखिए ज्ञान जी राहुल गांधी की बात में वजन होता है ऐसा आप कह रहे थे उनकी बात में वजन हो सकता था अब उनकी बात में वजन नहीं लगता है क्योंकि वो जो स्टेटमेंट देते हैं मेच्योर पॉलिटिशियन की नहीं की तरह नहीं देते हैं जैसा उचित शर्मा जी भी बोल रहे थे उनको अमरजीत जैसे राजनीतिज्ञों को अपना सलाहकार बनाना चाहिए लेकिन एक बात से मैं अभी आहत हुआ कि अमरजीत जी भी उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे कहीं ना कहीं मुझे ये बात लगती है कि ये आरोप लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है और पूरी पत्रकार बिरादरी को जिस तरह से कहा गया है इस पर और जो आपने वीडियो दिखाया कि लोगों को उकसा के किस तरह से एक पत्रकार की पिटाई कर दी जाती है कैसे कड़े सवाल पूछने पर उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है ये एक शुचिता की निशानी नहीं है कि पत्रकारिता के प्रति आपको भी निगाह अपनी नजरें ठीक रखनी होगी ऐसा नहीं कि अगर माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ आप देखिए मोदी जी जाते हैं वो हमेशा सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं चलिए ठीक है आपकी बात कहूंगा लेकिन आपकी आपकी बात पर वापस आऊंगा और जवाब लूंगा लेकिन आप लोग इतनी दोस्ती निभा रहे हैं आपस में कि बहस जो है वो चीज गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सही मित्रता जो है इतना निभा रहे हैं कोई किसी पर आरोप ही नहीं लगा रहा है मतलब गजब है कि इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करने में मुझे भी ठीक लग रहा है लेकिन लेकिन इस पर बात होगी इस पर बात होगी मैं मित्रता निभाऊंगा लेकिन इस आंकड़े पर तो बात होगी अमरजीत जी मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 18-19 की बात कर रहा हूँ मैं 2018-19 की ये आंकड़ा मेरे पास विभाग से आया है और रिसर्च करके आया है उस समय तीन करोड़ रुपये का प्रावधान था या अंतिम साल की बात कर रहा हूं जब चुनाव प्रचार ज्यादा किया जाता है और कोशिश यह होती है कि कहीं से हम अपना प्रचार प्रसार ज्यादा कर लिए तब के आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं मैं भारतीय जनता पार्टी के अभी 2024 और 25 के बजट की बात कर रहा हूं जब आंकड़ा है चार तिरपन करोड़ रुपया चार करोड़ रुपया और आचार संहिता के चलते अभी एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं हुआ है यह जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं अब 2018-19 मैंने बता दिया अमरजीत जी आपको मैंने 2024-25 बता दिया जो खर्च होना है जो खर्च होना है अब मैं आपके 23-24 का बजट बताना चाहता हूं जब चुनाव होना था तब का बजट क्या है मैं बस आपसे सवाल यही है मेरा 833 करोड़ रुपया का बजट था 833 करोड़ और अमित शाह गृहमंत्री यहां आए थे अजित जी, जी आपको याद होगा आपको याद होगा गृहमंत्री ने होर्डिंग की संख्या बताई थी कि इतने लगे हैं आप समझ रहे हैं तो प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार के विरोध की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इतना पैसा इतना पैसा 833 करोड़ आप ही ने तो बढ़ाया था आप ही ने तो बढ़ाया था तो क्या भूपेश बघेल पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी नहीं बिल्कुल नहीं देखिए हमने प्रचार प्रसार तभी किया जब हमने वैसी योजनाएं लाई थी देखिए आप जब कुछ करेंगे आपके पास उपलब्धियों का भंडार होगा आपके पास कहने के लिए कुछ होगा तभी तो आप प्रचार प्रसार करेंगे ना तो हमने वैसी योजनाएं लाई अगर हमने जो ये लोग सात वनोपज खरीदते थे हम तिरसठ वनोपज खरीदने लग गए हमने आत्मानंद स्कूल जैसी योजनाएं दी हमने छब्बीस रुपए किसानों को दिया हमने किसानों का कर्जा माफ किया गोबर खरीदी जैसे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमारी बेहतिहासा उपलब्धियां थी जिसके लिए मोदी जी ने भी हमारी सरकार को इनाम दिया था तो हमारे पस कहने के लिए बहुत कुछ था हमारी योजनाएं बहुत शानदार थी इसलिए हमने प्रचार प्रसार भी किया तो उसमें गलत क्या किया हमने तो कोई BJP हमारे ऊपर भ्रष्टाचार तो के कोई आरोप तो नहीं लगे तो भारतीय जनता पार्टी कर ले तो गलत है भारतीय जनता पार्टी कर ले तो गलत है क्या मैं यही पूछना चाहता हूं देखिए सच है उपलब्धि है आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं एक अलग बात है लेकिन एक झूठा प्रोपोकंडा है एक प्रोपोकंडा आप दिखा रहे हैं भारत पाकिस्तान के नाम से झूठी चीजें दिखा रहे हैं धर्म के नाम से आप दंगे फसाद फैलाने वाले समाचार और बातें दिखा रहे हैं तो इसमें फर्क है आप उसके लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं कि भैया इतना का पैकेज लो और दिन भर आपको खाली ये भारत पाकिस्तान दिखाना नहीं होता है तो इसीलिए पच्चीस करोड़ दे हमने आठ करोड़ दिया अपनी के के प्रचार प्रसार के लिए अमर वो जो पैसा ऐसा देते नहीं होता, होता, होता है भाई।, भाई ये गलत धारणा है कि हजार करोड़ रुपया दे दो तुम जाओ हिंदू मुसलमान करो लड़ाई झगड़ा करवा दो अखाड़ा नहीं होता ऐसा नहीं होता सुनिए चिप जिसने चिप बनाया जिसने चिप बताया उसकी अमरजीत यहाँ क्यों चर्चा करना भाई साहब चिप लगाने वाले को लगाने दीजिए निकालने दीजिए उससे क्या लेने देना हम लोगों को ब्लैक मेल गलत शब्द का इस्तेमाल जवाब दीजिए जवाब दीजिए गौरी इनके सवाल का जवाब दीजिए इन्होंने कहा हमने काम किया तो उसको दिखाया इन्होंने क्या काम किया मैं बता देता हूँ होर्डिंग में तीन साल में पांच लाख नौकरियां दिया ये बड़ा बड़ा भूपेश बघेल जी का चेहरा ऐसा चमकता था होर्डिंग लगे रहते थे विधानसभा में जब पूछा गया कि तीन साल में पांच लाख नौकरी किस ग्रह में बांटा है तो पता चलता है उस वो संख्या लगभग बारह से तेरह हजार थी और छब्बीस किलो चारा खिलाकर चौसठ सौ किलो गोबर बेचना यह ये काम यह ये अगर कहीं हुआ है तो भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है इसका गुणगान करते थे लेकिन ब्रांडिंग काम नहीं आया आठ सौ करोड़ ज्यादा रुपए की जो इन्होंने जो बांटा है विज्ञापन में वो काम नहीं आया यह झूठ का प्रमुख काम नहीं आया प्रदेश की जनता समझ चुकी थी कि इस प्रकार से गोबर के नाम से योजनाओं के नाम से गौठान के नाम से सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ अपना जेब भरा कमीशन खोरी किया और इसी कारण जनता ने इनको सत्ता से खदेड़ दिया नेता काम नहीं आया इस प्रकार के विज्ञापनबाजी से चुनाव नहीं जीत सकते व्यक्तिगत ब्रांडिंग कर सकते हैं भूपेश बघेल जी ने सिर्फ व्यक्तिगत ब्रांडिंग की लेकिन धरातल में यह चीजें लागू नहीं होती थी सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं मिला आज उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से विदा हो चुकी है इस आंकड़े पर क्या कहेंगे गौरी उचित जी मैं आपके पास आ रहा हूं फिर अनुज जी आपके पास भी आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं पहले आप अपनी बात कह लीजिए फिर मैं एक बार और आंकड़ा पढ़ूंगा एक बार और आंकड़ा पढ़ूंगा आंकड़ों पर ही आपसे जवाब लूंगा आंकड़ों पर ही आपसे जवाब लूंगा आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं उचित जी उचित जी मेरा सवाल आपसे है यह क्या संकेत और क्या संदेश दे रहा है क्योंकि शुरुआत में बहस के आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी और आप जब कोई बात कहते हैं तो बहस के अलावा भी मैं उसको सुनता हूं किसी दूसरे प्रदेश में रहता हूं तब भी आपकी बात सुनता हूं इसका विश्लेषण आपसे चाहता हूं कि रमन सिंह जी के कार्यकाल में अंतिम साल जब चुनाव होना था तो आंकड़ा था 2018-19 में 320 करोड़ इसी आंकड़े पर बहस हो रही है उचित जी मैं आपके पास क्यों आ रहा हूं इस आंकड़ों को लेकर मैं क्यों आ रहा हूं इसी आंकड़े पर पूरा बवाल है इसी आंकड़े पर विष्णुदेव साय जी को इनकी बात खराब लग गई है बात छत्तीसगढ़ की हो रही है दो हजार में जब चुनाव होना था तीन करोड़ रुपया 320 करोड़ रुपए विस्तार न्यूज के दर्शक अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं ब्लैकमेलर को एक तरफ कर दीजिए ब्लैक मेलर तो बहुत आपत्तिजनक है हम भी उसकी निंदा करते हैं मुख्यमंत्री जी अगर आपने पूछा था विष्णुदेव साय साहब की क्या आप इतफाक रखते हैं सहमत हैं बिल्कुल नहीं है कतई नहीं है ठीक है उस पर जाऊंगा मैं लेकिन दो हजार में तीन करोड़ और अब जब नई सरकार आई है नई सरकार को अपनी इमेज और चमकानी होती है अपने आप को और मजबूती से जनता के बीच पहुंचाना होता है तब 2024 और 25 का बजट क्या है चार करोड़ रुपया जिसमें अभी एक रुपया खर्च नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर और 2023-24 फिर लेकर चलता हूं आपको जो सरकार चली गई थी कांग्रेस की उसका बजट था 833 करोड़ रुपया इस बजट को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं 833 करोड़ रुपया 833 करोड़ रुपया क्योंकि एक हजार करोड़ का आंकड़ा ये जो कांग्रेस की सरकार का बजट था यही छू रहा है और मेरे वरिष्ठ साथी उचित शर्मा जी ने भी यह कहा था कि क्या अपनी सरकार की ही आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी जी उचित शर्मा जी देखिए राज्य का आबकारी राजस्व और जनसंपर्क का बजट यह कभी कम नहीं होगा आप ये मान के चलिए कि जो 800 वो ती, ती, आ, तीन सौ सवा चार सौ में छोड़ के गए थे इन्होंने सवा चार सौ से स्टार्ट किया है आप पांचवें साल तक देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस सवा चार सौ का बजट जो है लगभग बारह सौ करोड़ के आसपास होगा होगा फिर हो सम... नहीं जाएंगे नहीं। जब होगा तो अपन एक बार फिर बैठे प्रथम वर्ष है एक बार फिर नहीं प्रथम वर्ष है प्रथम वर्ष में चार सौ करोड़ है करोड़ प्रथम में आप यही चीज आप देखिए कि कांग्रेस का कितना था प्रथम वर्ष में और अंतिम वर्ष में कितना रहा भारतीय जनता पार्टी का भी अंतिम प्रथम वर्ष में कितना है और अंतिम वर्ष में कितना होगा ये छवि प्रबंधन के कार्य जनसंपर्क से होते हैं कोई भी सरकार कराए ये तर्क गलत है कि हमारे पास योजना है इनके पास योजना ऐसा नहीं है ये आपका सोचना ही गलत है कि भाई उनके पास योजनाएं नहीं है तो क्या वो राजनीति करने और कुछ करने आए क्या ये बात गलत है आप देखिए कि छवि प्रबंधन की चीज़ें मीडिया के माध्यम से होती हैं हर सरकार करती है हर सरकार करती है आप अब अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए हर सरकार करेंगी और निरंतर ये बजट बढ़ते रहेगा आप ये नहीं कह सकते कि आप कम करेंगे इन्होंने सवा में अपना स्टार्ट किया है लगभग हजार करोड़ बारह सौ करोड़ तक ये भी जाएंगे पांच और... साल की बात कर रहे हैं ना हाँ ये भी जाएंगे पांच साल तक आप देखिएगा आप साल बाद भी तो बारह सौ लेकिन तेश्चा तेश्चा कर तो... में करोड़ एक साल का है हाँ, तो एक साल के आखिरी वर्ष था उसमें छवि प्रबंधन और चाहिए मीडिया को और चाहिए अपनी प्रचार प्रसार आखिरी साल में 320 करोड़ रुपए था इसलिए मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ मैं तरफदारी तो कर ही नहीं रहा हूँ किसी को कांग्रेस का आखिरी वर्ष में बजट कितना था सवा आठ सौ करोड़ सवा आठ सौ करोड़ बराबर ब्यूटी पार्लर हाँ आप, आप रमन सिंह कामकाना चलिए आ रहा हूँ जी बहुत दूर से कुछ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे भी बोलने दो भाई अनुज जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप अंतिम के चार मिनट बचे हैं बताइए अनुज जी मैं अमरजीत जी की बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी वो जिस तरह से बात कर रहे थे ये जो पब्लिसिटी में पैसा खर्च किया अगर असल में खर्च कर दिए होते ना तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना होता उचित जी जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने आखिरी वर्ष जिस समय चुनाव था उस समय तीन सवा तीन सौ सवा तीन करोड़, तीन सवा तीन सवा तीन करोड़ खर्च किए थे जो छवि प्रबंधन वो बोल रहे हैं डीपीआर में लेकिन आप अगर उसके देखें तो तीन गुना कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन ईयर में और आप अगर देखें तो हमने अपना बजट फिर से पहले साल अभी कम किया जबकि इस साल भी लोकसभा का चुनाव था है ना और अभी तो आचार संहिता है लेकिन आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है जो योजनाएं लाती है, उसके प्रमोशन में काम करती है और कांग्रेस ने जिस तरह से बंदर किया और भेदभाव के साथ किया वो देखिए आप अच्छा ठीक है एक सवाल अमरजीत जी से और लूंगा मैं और ये पूछते हुए ये दिखाते हुए लूंगा क्योंकि मेरी आदत है मैं बिना आधार के बयान के कुछ बात नहीं करता हूं और पिछली डिबेट में अमरजीत जी, जी ने आप ही ने तारीफ करके मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी थी कि बिना तथ्यों के आप बात नहीं करते तथ्य मुझे दिखाना पड़ेगा पीसीआर बयान दिखाइए आप न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वो वाला जिसमें उन्हें कहा था कि मीडिया वाले तो सिर्फ मोदी जी को ही दिखाते हैं मोदी जी को ही दिखाते हैं वो बयान आप दिखाइए वो बयान आप सुनाइए छठवें नंबर का बयान है ये अंतिम बयान है जिसमें और दो बयान हैं पर मैं ज़्यादा असहज नहीं करना चाहता हूँ आपको क्योंकि आप बहुत असहज हो रहे हैं अच्छे व्यक्ति हैं भले व्यक्ति हैं गलती आपके नेता करें और आप यहाँ उसका बचाव करें उचित जी आप समझ रहे हैं ये अनुचित है ये उचित नहीं है इसलिए ये बयान सुनाइए जिसमें वो कहते हैं कि मोदी जी को ही दिखाती है मीडिया सुनाइए ये बयान चौबीस घंटा मीडिया पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा कभी टीवी ऑन करके देखो आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा अमरजीत जी पिछले एक घंटे से राहुल जी का चेहरा दिख रहा है गलत तो नहीं हूं मैं ग... अच्छा इस बयान से आप ईमानदारी से बताइएगा ईमानदारी से बताइए गलती मत मानिए मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं फिर कह रहा हूं बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते ये सही है इस तरह से बोलना कौन दिखाता जहां राहुल जी दे रहे सोचिए सारे चैनल के रिपोर्टर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं सारे नेशनल चैनल के रिपोर्टर तब मैं वहीं हुआ करता था पैदल चल रहे थे न्याय यात्रा में पैदल चल रहे थे रात रात रुक रहे थे तब आपके न्याय यात्रा को पूरे देश ने दिखाया था यह सही है यह कहना कि 24 घंटे मोदी जी को दिखाते हैं यह सही है बताइए हम इसीलिए तो ज्ञानेंद्र तिवारी के फैन हैं क्यों है यही तो हम कह रहे हैं ना कि सच्ची पत्रकारिता सच्चे मूल्यों को दिखाने वालों को सलाम है भवन प्रसाद को सलाम है रमेश नैयर को सलाम है सुनील कुमार को सलाम है हिमांशु द्विवेदी को सलाम है गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा को चलाने वालों को सलाम है लेकिन वो लोग जो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान और धर्म के नाम से देश को बंटवारे करने की राजनीति को अपना एजेंडा बना के पत्रकारिता के माध्यम से दिखाते हैं तो ये लोगों ने उन दो में नरेंद्र मोदी जी ने साढ़े करोड़ रुपये फेसबुक और यूट्यूब को दिया था तो ब्यूटी पार्लर तो ये लोग हैं इनकी शुरुआत राजनीति की ही उस चमकाने और चेहरे चमकाने से हुई है विज्ञापन से हुई है ये हम पे क्या आरोप लगाएंगे अरे स्वतंत्रता के आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी के नेता है राहुल गांधी जो नफरत के बाजार उन्नीस सौ पचहत्तर की आज मत दिलाइए आपातकाल की आज मत दिलाइए, डिरेल हो जाएगा मामला समय बहुत कम है लास्ट के तीस सेकेंड आप अपनी बात कहिए ये जो कह रहे थे उसी का जवाब दीजिए गौरीशंकर जी देखिए राहुल गांधी जी मोदी फोबिया से ग्रसित है मोदी जी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया उसको दिखा रही है राहुल गांधी जी ने नया यात्रा किया मीडिया ने उसको भी दिखाया अब राहुल गांधी जी कुछ करेंगे ही नहीं और बोलेंगे मीडिया उसको दिखाते रहे इतना खूबसूरत चेहरा तो नहीं है कि मीडिया उसके पीछे कैमरा लेकर दौड़े बात नंबर एक दूसरी बात देश में आप जाति की राजनीति आपने की अरे है। आपको खूबसूरत नहीं लगते होंगे भाई बाकी लोगों को लगते हैं तो उसमें क्या है। आपको क्या पत, है। उनकी खूबसूरती पर आपको क्या आपत्ति है यार गौरी भाई यह नहीं है कि मीडिया कैमरा लेकर उनके पीछे दौड़े बात नंबर एक अगर वो काम करेंगे अगर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर मीडिया उनको हाथों हाथ आप पहले भी लिए और आगे भी लेगी अब बात यह आती है कि जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है भारत पाकिस्तान कर रही है अरे भाई ओबीसी वर्ग को लेकर तमाम प्रकार के जनगणना से लेकर धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं भारत देश के स्वाभिमान को विदेश में जाकर आप बेच रहे हैं और मीडिया अगर उसको दिखाता के है तीस सेकेंड उचित जी जी बोलिए लास्ट के तीस सेकंड आपका बस ये बाइंड में क्या है, ना, 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 बिल्कुर, बिल्कुर, मैं नहीं मीडिया ब्लैक मेलर वाली बात है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ बिल्कुल इतफाक नहीं रखता की कोई भी मीडिया पर्सन अनुजी ब्लैक मेलिंग कर अनुज जी लास्ट के तीस सेकंड में अपनी बात क्या मीडिया ब्लैक मेलर कहना उचित है एकदम अनुचित है और मीडिया को जाति में ओबीसी एसटी इस, इस तरह से इसमें भी बांटने का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ कांग्रेस कर, तो कर, कर कहा गया था जनसंपर्क को लेकर कहा गया था मेरा काम था अगर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय टैग करके पूछेंगे कि क्या ये सहमत हैं मैं ऐसे बुद्धिजीवियों को बैठाकर कम से कम उनका अभिमत लूंगा जानूंगा कि वो क्या कह रहे हैं और कांग्रेस का भी पक्ष जानूंगा जो तथ्य है वो आंकड़ा भी दिखाऊंगा तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आपने जो सवाल विस्तार में उससे पूछा था हमने तथ्यों को जोड़कर तथ्यों को दिखाकर उसका जवाब दे दिया है कि मीडिया को ब्लैक मेलर कहना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से प्रहार सार्वजनिक करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हम इससे सहमत नहीं है और ब्लैकमेल करना कहना तो बिल्कुल अनुचित है फिलहाल मेरे साथ जो मेरे मेहमान थे सभी को इजाजत दीजिए और बाकी आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ अनुज शर्मा जी आपका धन्यवाद उचित शर्मा जी आपका धन्यवाद गौरी शंकर जी आपका धन्यवाद और अमरजीत चावला जी बच बच कर इधर उधर से शॉट खेलते हुए अपने नेता को जिस तरह से आपने डिफेंड किया है उसके लिए आपका सामूहिक धन्यवाद फिलहाल हम सभी को इजाज़त दीजिए और आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ नमस्कार नाम क्या आपका प्रेस के मित्रों आपका भी स्वागत मगर आप हमारे मित्र नहीं हो नहीं मीडिया सिस्टम इन इंडिया इज नॉट नॉटिया सिस्टम सॉरी टू बी ब्लंट आपके मालिक का क्या नाम है आप अदानी जी के मोदी जी के मित्र हो